मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ते रहिए आप लोग। जो समझ में आया हो उसको हमसे कंसल्ट करिएगा, ठीक है। आइए आज हम स्टडी करते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर की, दैट्स नेम इज वाटर। वाटर इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लिविंग बींग्स, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वाटर इज मोर एसेंशियल एंड कॉमन थिंग्स बींग यूज इन ऑल एक्टिविटीज। वी इंश्योर द वाटर लेवल इन अर्थ। इन दिस चैप्टर वी विल एबल टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ वाटर, डिस्क्राइब द डियर लाइफ साइकिल एंड डिफाइन इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस एंड नो रेनफॉल। एंड वी एक्चुअली अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड द रूल फॉर कंजर्व ऑफ वाटर, क्लियर। सो वी स्टडी ए चैप्टर, लाइफ वुड हैव नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर। बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है इस धरती पर। वाटर कवर्स 3/4 ऑफ एरिया एंड कॉन्स्टिट्यूट्स 70% ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 70% क्या होता है? वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। इट इज ए पार्ट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इन दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, वाटर इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड टू फॉर्म ग्लूकोज दैट वी ईट। वाटर एक्ट एज ए मीडियम फॉर प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। इट इज आल्सो हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। यह हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है? मेंटेन रखता है। एनवायरमेंट गर्म है, एनवायरमेंट बहुत तेज हॉट है टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी में वाटर क्या करता है? पसीना निकलता है। जब कोल्ड सीजन होता है एनवायरमेंट में तो हमारी बॉडी को क्या होता है? ठंडी लगती है। सो वाटर इज यूजेस इन डिफरेंट वेज। यूज ऑफ वाटर, वाटर यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पर्पज, सम आर डिस्कस्ड इन डोमेस्टिक यूजेस। डोमेस्टिक यूजेस वी आर यूज इन डोमेस्टिक फॉर वेरियस पर्पज इन आवर होम। इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पीने के लिए लेते हैं।
वॉशिंग बाथिंग है ना, धुलने के लिए, नहाने के लिए, ब्रशिंग द टीथ, मुंह धुलने के लिए ब्रश करते समय, फ्लशिंग टॉयलेट एंड क्लीनिंग फ्लोर फर्श को साफ करने के लिए, एंड गार्डनिंग बगीचे में पानी देते हैं। सो दे आर बायोस्टिक यूज इन आवर डेली लाइफ एंड दे आर ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यूजेस, एग्रीकल्चर यूजेस इंडिया। एग्रीकल्चर इंडिया आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, क्रॉप्स नीड वाटर फॉर ग्रोथ, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टाइल यूज नियरली 90% ऑफ इंडिया फ्रेश वाटर सप्लाई। इंडिया की 90% वाटर जो है फ्रेश वाटर की सप्लाई होती है। सम क्रॉप्स सच एज राइस, कुछ ऐसे भी फसल है जैसे चावल एंड कॉटन कपास, इसको रुई बोलते हैं आप। दे हैव ए ग्रेट या लार्ज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, वाटर इज यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन द इरिगेशन, इरिगेशन ऑफ दीज क्रॉप्स, सिंचाई में इसका, फसल की सिंचाई में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड नेक्स्ट आर इंडस्ट्रियल यूजेज, इंडस्ट्रियल यूजेज, इंडस्ट्री वाटर इज यूज इन द इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, इट इज यूज एज ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो होता क्या है, रिएक्टेंट एक सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन कराने में लिया जाता हो, मतलब बिना उसके केमिकल रिएक्शन ना हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। क्लियर? तो सॉल्वेंट एंड कूलेंट, वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। देयर आर मेनी अदर यूजेस बिसाइड द वन दैट यू हैव लर्न सो फार। वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का यूज बिजली बनाने में यूज किया जाता है। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कहाँ पे, जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा रहता है वहाँ पे वाटर का यूज होता है बिजली बनाने में। एंड वाटर इज ऑल्सो यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने में। एंड वाटर इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब हम कहीं लंबी दूरी तय करते हैं तो उस समय वाटर की बहुत सख्त जरूरत होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वाटर के सोर्स क्या होते हैं, सोर्सेस ऑफ वाटर कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।